वेलकम बैक गाइस, आपका हमारे चैनल अनोखे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ गाइस, पहले भी किसको अगर आधार संख्या चाहिए तो किससे आधार संख्या ले लेंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे, वो आपको सारा कुछ आज बताने वाला हो। मात्र 15 मिनट के अंदर आपका आईडी जो है वो लॉगिन होगा और आप काम कर सकते हो, जो कि 100% जो है फ्रेंड वो आधार की तरफ से होगा। फ्रेंड तो आपको सबसे पहले मैं दिखा दूँ कुछ इस तरीके से का जो मैसेज आपको शो करेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज, तो आप लोग देख सकते हो। आप कुछ इस तरीके से अपना जो आधार सेंटर है उसका OTP वगैरह मतलब मैसेज वगैरह आता है फ्रेंड ईमेल पर, जैसे ही आ जाए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको मैं ये आप लोग देख सकते हो फ्रेंड कि कुछ इस तरीके से मैसेज वगैरह आता है ईमेल में, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा फ्रेंड। ये आपको दिखा दो फ्रेंड मैं, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है फ्रेंड और मैसेज 100% सही तरीके से आ जाता है। जैसे ही आ जाता है आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। बट इसमें क्या दिक्कत है फ्रेंड, ये आइडिया आपको कैसे मिलेगी और किस तरीके से मिलेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले आपको जाना है UIDAI पर, जो कि आधार कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल है, उस पर आपको चले जाना है। जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये तो ओपन हो जाते हैं। उसके बाद UIDAI जो है पेन जो आधार का ऑफिशियल साइट है उसको ओपन कर लेना है सबसे पहले आपको। जैसे आप ओपन करते हो ना फिर आगे का सबको मैं दिखाने वाला हूँ, थोड़ा नेट स्लो के कारण पेन दिक्कत आ रहा है, बट आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो ला रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको आधार जो पोर्टल है उस पर लॉगिन करना होगा। फिर लॉगिन किस तरह से करेंगे, आपको सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा फिर वो आपको मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो आपको ये जो है पॉपअप इसको कट कर लेना है फैन, ताकि आपको दिक्कत ना आए। आप लोग देख सकते हो फैन, अभी मैं आपको दिखा दूँ कुछ आधार का जो ऑफिशियल साइट है, काफ़ी सारे लोग इसका फायदा ले रहा है। किस तरीके से आपको मैं दिखाने वाला हूँ, इसमें फ्रॉड भी ज़्यादा होता है, फिर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एक बंदा था जो जिसने मेरे को मैसेज करके कहा था कि आपका भाई आपका आईडी जो है तुरंत से तुरंत जो है आपको एक्टिव कर दिया जाएगा, कुछ इस तरीके से आप पैसा भेजिए। तो हमने क्या किया, उसको डॉक्यूमेंट इसलिए आप लोग देख सकते हो, आधार कार्ड, वोटर साइट, पैन कार्ड, मेल आईडी, फ़ोन नंबर और फोटो हमने यहाँ दे दिया उनको। जैसे हमने दे दिया उसको क्या कहा था, इन्होंने कहा कि आपको 300 रुपया डॉक्यूमेंट के साथ पेमेंट करना होगा। जैसे हमने किया उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे को कुछ मेल आया आधार की तरफ से, आने के बाद कुछ इस तरीके से आईडी शो किया आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, पैसा भी हमने पे कर दिया उनको। करने के बाद वो कहा कि मैं जो है आपका आईडी प्रोसेस कर रहा हूँ, करने के बाद कुछ इस तरीके से मैसेज आ गया। जैसे ही मैसेज आ गया फिर आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर कुछ इस तरीके से मैसेज आया, आने के बाद ईमेल जो आप किया आधार की तरफ से, उसके बाद मैं इसको कट कर दिया। करने के बाद आपको दिखा, वो उन्होंने कहा कि हाँ भाई 1200 रुपये मेरे क्लियर करा दो तो आपका आईडी बन जाएगा, कुछ इस तरीके से उन्होंने कहा है। मैं क्या क्या उनको 1200 रुपये जो है उसको पे कर दिया। यह सब लोग देख सकते हो, इस बंदे का जो UPI खगड़िया 099 UPI करके हैं उसको मैं पेमेंट कर दिया। करने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर कुछ आईडी वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह दे दिया। वो कहा कि आपका जो आईडी है वो फाइनल प्रोसेस में है, आपको पेमेंट करना होगा वॉलेट एक्टिव करने के लिए। जैसे ही हमने आप लोग देख सकते हो, उन्होंने पेमेंट मांगा कितना, फिर आपको मैं दिखा दूँ, 2292 रुपये मांगा था, हमने दे दिया फिर उनको। जैसे ही हमने दे दिया वो क्या किया फिर, वो कहा ऑनलाइन रहो, हमने हाँ ऑनलाइन रहा। होने के बाद वो उस दिन रिप्लाई नहीं दिया, उसके बाद क्या किया फिर उन्होंने क्या कहा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड। तो ये कहा था कि भाई आपका 229 नहीं हुआ, आपका 389 करवा दिया, ओके आप सिर्फ 1500 भेज दो, कुछ इस तरीके से किया कहा मेरे को। कहने के बाद आप लोग देख सकते हो कि हमने कहा क्या बार बार पेमेंट मांग रहे हैं, इसके बाद वो भी पेमेंट नहीं किया और एक भी पेमेंट नहीं करना है कसम से, आपसे 1500 भेजो कुछ तरीके से कहा है। उसके बाद मैंने क्या किया फ्रेंड, करने के बाद कॉल रिसीव कीजिए, कॉल किया था मैं रिसीव नहीं किया। उसके बाद तो उन्होंने क्या कहा, हाँ इसके बाद और एक भी पैसा नहीं चाहिए, इन्होंने कहा माँ कसम खा के बोला था फ्रेंड ये। तो जैसे ही हमने ऐसा किया तो वो क्या किया फ्रेंड, वो जो बंदा है वो पेमेंट कर दिया। उसके बाद ये कॉल भी नहीं उठा रहा है फ्रेंड, और मेरा जो है फ्रेंड वो कुछ इस तरीके से उन्होंने मेरा जो नंबर है उसको ब्लॉक कर दिया। अभी इसका जो ग्रुप है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग इन लोगों से बच कर रहिएगा। आप लोग देख सकते हो आधार UCL ECMP, आप ये देख सकते हो आधार UCL ECMP जो है फ्रेंड कुछ इस तरीके से जेन्युइन आईडी प्रोवाइड करके ये लोग फेसबुक पर अपना जो एडवर्टाइज करते हैं फ्रेंड, उसके बदले वो तो काम नहीं करते, बट इसमें नंबर आप सारा बहुत सारा देख सकते हो। तो हर किसी से यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी को पेमेंट ना करें, अगर पेमेंट करते हैं तो आपका ये दिक्कत आ सकती है। इसका नंबर भी आप देख लीजिएगा फ्रेंड, ताकि आपको भविष्य में अगर मैसेज आए आधार का काम करना चाहते हो
तो इसका नंबर आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मैंने सेव किया था, उसका पेमेंट सारा कुछ कर दिया था मैंने। आप लोग देख सकते, इसका नंबर आप लोग देख सकते हो 8981323382। उसी से आप इसको पेमेंट मत कीजिए। कोई भी आधार सेंटर लेने के लिए आपको एक भी रुपया जो है पे करने की ज़रूरत नहीं होगी फ्रेंड, तो आप पे मत कीजिए। और अगर पे करते हो तो आपका जो पैसा है वो मतलब आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप 24 घंटे के आपका जो पैसा है आप कुछ इस तरीके से फ्रॉड में हो चुके हो, प्लान होने के बाद आपको जो पैसा वापस किसी से लाना है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। और 24 घंटे के अंदर वो पैसा आपको लाना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगले जो वीडियो हो वो आपको मैं बता